हेलो फ्रेंड्स, रेयर फैशन में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच मॉडल है और आज मैं आपको ये जितने भी इसमें डिजाइन दे रखी है वो सभी डिजाइन स्टिच करके बताऊंगी कि किस पे आपको कौन सी कैसे सेलेक्ट करते हैं और कौन सी डिजाइन उससे बनती है। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल स्टिच पे कर लेते हैं, जो हमारी रेगुलर स्टिच होती है। ये ए है जिसपे छोटी स्टिच होती है, थोड़ी बारीक स्टिच। और इसको देखिए सेलेक्ट ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक ये निशान दे रखा है, एक मार्किंग दे रखी है। देखिए इसकी सीध में जो आप सेलेक्ट करोगे वही आपकी डिजाइन सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ये ए है तो इस पे छोटी स्टिच बनती है, बी पे जो हम रेगुलर स्टिच करते हैं उसको हम बी पे रखकर करते हैं। और अगर आपको बड़ी सिलाई चाहिए, मोटी सिलाई करनी है तो आप सी पर रखें। इस तरह से इसी तरह से हम सभी स्टिच सेलेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपको ए पे करके बता देती हूँ स्टिच की, ए पे किस तरह की स्टिच आती है और कितनी बारीक आती है या मोटी आती है। देखिए तो इसके लिए आप सबसे पहले हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं। अब इसी में मैं आपको बी पे भी करके दिखा देती हूँ। जब भी आप नया पैटर्न सेलेक्ट करें तो आप नीडल को ऊपर करके ही रखें। अगर हम ऊपर नहीं करेंगे और कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लिया तो नीडल टूट जाएगी। अब हम बी पे करेंगे और अब हम सी पे करेंगे। ये देखिए तीनों मैंने ए और बी और सी बता देती हूँ आपको कि तीनों किस तरह की स्टिच हो रही है। ये देखिए एक की स्टिच बिल्कुल पास पास में हुई है और बी में थोड़ी सी ये देखिए मीडियम स्टिच हुई है यहाँ तक, और सी में ये बड़ी बड़ी कच्ची सिलाई। जैसे आपको कहीं पे की सिलाई खोलनी पड़ सकती है तो आप सी पे रखकर कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं डी वाली स्टिच करके बता देती हूँ। डी, ई और एफ तीनों स्टिच जिगजैग है, फर्क बस इतना है कि ये बारीक स्टिच होएगी, ये मीडियम होएगी, ये और मोटी होएगी। और अब हम ई पे सेलेक्ट करेंगे और अब हम एफ पे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए डी वाली स्टिच जो बिल्कुल बारीक बारीक आ रही है और ये ई वाली जो मीडियम है जिगजैग में ही, और ये एफ वाली ये मोटी है, सबसे मोटी एफ में है। देखिए अब मैं और दूसरा पैटर्न बताती हूँ आपको। नीडल की पोजीशन ऊपर ही है, अब हम जी को सेलेक्ट करेंगे ये देखिए ये जी वाली डिजाइन है। और ये देखिए ये भी हम प्लेन कपड़े पे इस तरह से कोई भी डिजाइन बनाना चाहें, जैसे हमारे सूट है या बच्चों की ड्रेसेज है तो उसमें ये बना सकते हैं, या सलवार की मोरी है इसमें भी बना सकते हैं। अब हम इससे आगे की डिजाइन बना देते हैं एच और आई वाली। उसके लिए एच पे सेलेक्ट कर लेते हैं पैटर्न सेलेक्टेड डायल को और अब आई पे सेलेक्ट करके ये भी बना ही देते हैं इसी में। ये देखिए ये एच वाला डिजाइन है और ये आई वाला डिजाइन। अब एक डिजाइन और रह गया जे वाला, ये भी बना करके देख लेते हैं। इसको हम जे पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये जे वाला डिजाइन है। इस तरह से मैंने आपको सारी डिजाइन बना करके बता दिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काज बटन बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।